आज हम लोग वैसे नंबर का स्क्वायरिंग करना सीखेंगे जिसका लास्ट डिजिट 5 होता हो, और ये बहुत ही इजी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि देखिए कि ये 45 का स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो लास्ट में जो डिजिट है वो हमारा क्या है, 5 है। तो आप चुपचाप सबसे पहले क्या कीजिए कि 25 इस प्रकार से लिख लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या है, 4 है। अब 4 के आगे मेरा कौन सा नंबर आएगा, उस पर प्लस 1 करके आप डाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 5। तो इस 5 को उसी नंबर 4 से, मतलब जो नंबर आपका 4 है उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर इतना आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 पर एंड कर रहा है, तो बिना सोचे समझे आप 25 रख दीजिए। और देखिए 8 के जस्ट आपका कौन सा नंबर आएगा आगे, 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 72। तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना आएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 है, तो हमें पता है कि सबसे पहले 25 रखना होता है। और देखिए 7 है, तो 7 के ठीक आगे हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है, 8, और उसे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे इतना मिल जाएगा। अब देखिए कि मुझे कितने डिजिट के बाद डेसिमल को रखना है। देखिए यहाँ पर तो 2 डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, जस्ट इसका डबल, 2 का 4। तो हमें जो डेसिमल रखना होगा 4 डिजिट के बाद रखना होगा। तो ये हमारा हुआ 1 डिजिट, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमने 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया, तो हमारा फाइनल इस प्रकार से प्रोडक्ट होगा। अच्छा, ये स्क्वायर में ना होकर कुछ इस प्रकार से भी होगा, तो आपको प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 85 है और यहाँ पे 85 है, तो आपस में तो स्क्वायर के जैसा ही हो गया। अब देखिए 5 पर एंड कर रहा है, तो हम क्या रख देंगे, 25। और 8 है, 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए कि डेसिमल के विषय में यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, तो 1, 2, 3, 4 के बाद हम यहाँ पर डेसिमल रखेंगे। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 35 है और यहाँ पर भी है, बस डेसिमल का फर्क है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए 5 पर ये एंड कर रहा है, तो आपको रखना पड़ेगा 25। और 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 4। अब 4 को इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा इस प्रकार से हो गया। अब देखिए कि आपको डेसिमल कितने डिजिट के बाद रखना है, तो यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 2, 3, 4, तो 4 डिजिट के बाद आपको रखना होगा 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर होगा।